so hello and welcome to you on the platform of blade runner k12 the largest humanities platform ever made on this planet we are building सो so, आज की जो वीडियो है दिस विल बी वन ऑफ द वीडियो ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज आंसर राइटिंग सीरीज के ऊपर हमने ऑलरेडी दो तीन वीडियो करा है शुरुआत करी थी हमने हाउ टू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल से जिसमें हमने एक स्किल के बारे में बताया था जो कि आपको अभी अडॉप्ट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू राइट अ गुड आंसर दैट वाज ऑफ रीडिंग हैबिट तो वो जो वीडियो है आइबेटर पर उसका लिंक आ रहा होगा फिर मैंने पांच बुक्स भी रिकमेंड करी थी पांच बुक्स जो कि आपको पढ़नी चाहिए अभी इफ़ यू आ क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट तो वो भी वीडियो उसका लिंक हमने आई आइबेटर में डाल दिया है एंड द लास्ट वन वॉज कि आप थ्री मार्कस कैसे लिखते हैं। आप चार मार्कर्स कैसे लिखते हैं। आप मार्कर कैसे लिखते हैं तो इंटरबॉडी देखा, को देखा, को देखा। ये आपके, के में सकती है पोल साइंसलॉजी हिस्ट्री का आंसर राइटिंग में काम आ सकती है दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टिप्स जो कि आपको याद रखने में रखना है वाइल्ड राइटिंग अ गुड आंसर आपको हमने पैटर्न बता दिया है कैसे इसको इंप्रूव करना है वो भी बता दिया ट्राई टू रीड एज मच एज यू कैन क्योंकि रीडिंग और राइटिंग का एक रिलेशनशिप है अगर आप एक किलो रीड करते हैं तो आप दस ग्राम लिखेंगे ये एक बहुत पुराने राइटर ने कहा था रेड डेली करके एक राइटर है प्रिंसिपल्स बुक जिन्होंने लिखी है वो कहा कि मैं अगर थाउजेंड वर्ड्स पढ़ता हूँ तो तकरीबन मैं दस वर्ड लिख पाता हूँ सो ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल ना वो समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाई राइटिंग अ गुड आंसर नॉट अ गुड आंसर बेस्ट आंसर ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंट्रोल योर सेल्फ आपको अपने आप पे काबू करना पड़ेगा सो द फर्स्ट टिप आई वुड गिव इज़ टू कंट्रोल योर सेल्फ वाई राइटिंग आंसर होता क्या है बहुत बार हमने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार किया है लेट सपोज़ हमने 1857 के रिवोल्ट को जो आपके जितने भी इवेंट्स हुए हैं शुरुआत हुई म्यूटनी से एंड लास्ट जो इसको क्रश किया था ये सारी चीज़ें मालूम है एंड बहुत अच्छे से मालूम है एंड किसी ने हमें कह दिया कि इससे रिलेटेड सवाल सी बी बहुत बार पूछे भी गए या आपके स्टेट बोर्ड में पूछे भी गए तो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी है इसके आंसर को लिखने को लेकर बट सवाल जो है वो एटीन से रिलेटेड तो आया है लेकिन सवाल कुछ है कि 1857 के को क्या हम लोग फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। अब बताया अब पूरे इवेंट को याद किया पूरे कोर्स ऑफ इवेंट को पढ़ा हुआ है बट इस सवाल का जो जवाब है वो वो नहीं है जो आपने तैयार करा है लेकिन वो रिलेटेड तो उसी से, भी वही है तो अभी नॉर्मली बच्चे क्या करना चाहते हैं दे वॉट हेयर टू एग्जिबिटि थिंग्स दैट दे हैव लर्न वो ऐसे अपने आंसर को प्रजेंट करते हैं कि एट्टीन फिफ्टी फर्स्ट वार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा उससे पहले ये जान लेते हैं कि 1857 कैसे हुआ शुरुआत कैसे हुई या एंथ कैसे हुआ इन चीज़ों को जानने में आपके एग्जामिनर की कोई दिलचस्पी नहीं है एंड यकीन माने आप उससे ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में ज्ञान रखते भी नहीं है क्योंकि वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो आप उन्हें अपने एक्स्ट्रा नॉलेज से इंप्रेस कर भी नहीं सकते बिकॉज दे नो लॉट बेटर दैन यू एंड अस तो यहाँ पे आपको टू द पॉइंट रखना पड़ेगा कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको पॉइंट्स नहीं आते हैं तो फॉर्म करना सीखो ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है एंड उससे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो आप जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो चीज़ें आप ज़बरदस्ती उसमें घुसा घुसारा हो इससे एग्जामिनर तंग आके आपको बहुत कम मार्क्स बहुत पोअरली रिवॉर्ड करेगा मार्क्स सेकेंड थिंग इज टू बैलेंस योर आंसर कंट्रोल की बात कर रहा है बैलेंस की बात कर रहा है जिमनास्टिक की क्लास नहीं है ये आंसर राइटिंग की क्लास है तो बैलेंस आंसर में क्या होता है बहुत बार जब हम इवेलुएट करते हैं किसी टॉपिक को जैसा अभी सैम्पल पेपर में आया है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि ये जो फिफ्थ रिपोर्ट था इसके क्या इंपैक्ट हुए थे तो यहाँ पे आपके आंसर को बैलेंस करना पड़ेगा फिफ्थ रिपोर्ट को दोनों पक्षों से दिखाना पड़ेगा बरतानिया की हुकूमत के पक्ष से भी कि फिफ्थ रिपोर्ट क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कुशासन चला रही थी इंडिया में एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी कि क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब उनकी मुनापली जाने वाली थी तो आपको इस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादातर डिमेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स ज़्यादा लिखो मेरिट्स कम लिखो लेकिन हाँ दोनों पक्षों को लिखना आपके लिए ज़रूरी है यानी कि आपने केवल एक पक्ष के लिख लिया ठीक है अगर फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड छः मार्क्स के सवाल आते हैं तो आपको यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत का भी पक्ष रखना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी पार्लियामेंट का भी पक्ष रखना है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के इम्पैक्ट को भी दिखाना है थर्ड इज एविडेंसेस जो थ्योरी लिखते हैं लोग अगर वो एविडेंसेस से अपने पॉइंट्स को बैक कर देते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ आती है कि इसकी जो नॉलेज है इसमें डेप्थ है जैसे हमने समरी सेटलमेंट की बात की तो समरी सेटलमेंट में सबको पता है क्या हुआ था तालुकदार उनकी ज़मीन छीन ली गई थी बट अगर आपने इसमें एक स्टैट ऐड कर दिया कि समरी सेटलमेंट से पहले अवध के लगभग सिक्सटी सेवन परसेंट जब वेलेज पे तालुदास का कंट्रोल था जो कि समिरीटलमेंट एटी फिफ्टी सिक्स के आने के बाद थर्टी एट परसेंट पर गिर गया यानी कि तकरीबन ट्वेंटी नाइन थर्टी परसेंट की हमें गिरावट देखने को मिलती है ये इस तरीके के जो स्टैट्स है ये एग्जामिनर को आपके डिफ्थ का अंदाजा लगवाते हैं एंड सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ इकोनॉमिक्स तो वहां पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने कह लिया कि कौन कौन से मोनिटरिंग मीजर्स हैं जो मनी सप्लाई को कम करने में या बढ़ाने में काम आते हैं तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन का एग्जाम्पल देंगे बैंक रेट का एग्जाम्पल देंगे रिपोर्ट रेट का एग्जाम्पल देंगे इसमें आप रिपोर्ड रेट अभी करेंटली क्या है वो बता सकते हैं बैंक रेट का अभी करेंट रेट क्या है वो बता सकते हैं रिवर्स रेपो रेट का क्या करेंट रेट है वो बता सकते हैं मार्जिनल फैसिलिटी के लिए अभी रिक्वायरमेंट जो कितनी परसेंटेज की आपको मॉर्ग रखनी पड़ती है ये सारी चीज़ें जो आप एडिशनल बताएंगे दैट विल शो द डेफ ऑफ योर स्टू द एग्जामिनर तो दीज वेयर आवर थ्री पॉइंट्स चौथा और पांचवा जो है ये बहुत माइन्यूट है लेकिन आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है फोर्थ इज ऑल अबाउट द लिंक्स आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे आंसर्स में लिंक्स मतलब आपको अपने आंसर को ऐसे लिखना है कि एग्ज़ामिनर को लगे कि कहानी पढ़ रहा हो बिकॉज एग्ज़ामिनर जितना मगन हो कि जितना कम टाइम आपके जितना मज़े से आपके पेपर को चेक करेगा उतनी चांसेस है कि आपके मार्क्स हाइयर आएंगे तो लिंक्स बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग टेक्निक का बेट सपोज़ जैसे जो मैंने वो आ, हमारी आपने वीडियो देखी होगी हाउ टू राइट अ गुड आंसर वाली जिसमें हमने छः मार्कर्स कैसे लिखते हैं चार मार्क्स क्वेश्चन कैसे लिखते हैं उस पर दिखाया आपको मैंने खुद लिख के बताया तो वहाँ पर देखे मैंने किया था से को के से कैसे किया। से जब होता है ली गई एंड तालुदारेट करतीटलमेंट रीजन था, ही था वहां से लिंक किया मैंने चीज़ों को कि तालुकदारों से उनकी जमीने ली गई वो तो हुआ ही समरी सेटलमेंट में उनके फोर्स भी दबा कर दिए गए एंड उनके अंदर जो टुकड़ी होती थी रिलीजियस दे रिक्वायर टू मेटेड अब उनको भी वापस ले लिया गया तो इन सारे कारणों की वजह से वेर नाउ इन्फोर्स टू ज्वाइन द पार्स टू पार्टिसिपेट इन द रिवल्टिटी ऑफ़ सेवन ये जो कहानी है ये आप जितना ज़्यादा आंसर, आंसर प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया से आप फॉर्म कर पाएंगे एंड लास्ट वन इज़ अबाउट हैंडराइट हमने बात की कंट्रोल के ऊपर, कि आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आता है अगर वो यहाँ पे काम नहीं आ रही है तो आपको उसको नहीं डालना है देन बैलेंस द आंसर आप अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का जवाब लिख रहा है तो आपको अपने आंसर को बैलेंस है थर्ड वॉज अबाउट एविडेंसेस अगर आपके पास कुछ डेटा है तो आप उससे बैक करिए आप डेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेट सपोज़ आप समरी सेटलमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आप बताएं कि कब ये लागू हुआ था एटीन फिफ्टी सिक्स में ये जो छोटे छोटे डेट्स हैं जो कि वहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है बट आपने लिख दिया तो ये डेफ्थ का अंदाज़ा लगवाते हैं तो ये आप बता सकते हैं जैसे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में है तो नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में इसको लगाया गया था तो ये सारे जो डेट्स हैं ये बहुत काम आते हैं लास्ट पर यू कैन ऑल्सो यूज़ द नेम एज एविडेंस आप ऐसे बता सकते हैं कि 1857 फिफ्टी सेवन में आ, बड़ा रोल प्ले कर रहा अवध के एनेक्सेशन ने अवध के एनेक्सेशन के दौरान कौन नवाब थे उनका नाम भी लिखते वाजिद अलीशा एंड उसके बाद जो डी मतलब ऐसा क्लेम किया जाता है कि बेगम हजरत में नवाब बनती है तो इनका भी चूंकि वही पार्टिसपेट करती थी एट्टी फिफ्टी सेवन के रिवल्ट में तो वहाँ पर उसका भी नाम आप लिख सकते हैं तो इस तरीके से जो तो डेट्स तो हैं जो नेम्स हैं एंड जो डेटाज है स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स इनको आप अगर सही जगह यूज़ करेंगे दे तो देट कैन भी यूज एज गुड एविडेंस एंड ये फिर बहुत अच्छा एक इंप्रेशन छोड़ेंगे आपका एंड द फोर्थ वन इज लिंकिंग हाउ टू राइट द आंसर इन स्टोरी मैनर आपको स्टोरी टेलिंग के तरीके से आंसर लिखना है तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट कैसे लिंक करना है कैसे अरेंज करना है वो चीजें जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उससे सीखोगे सो लास्ट पॉइंट इज अबाउट हैंडराइटिंग अगर आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया है तो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आपकी हैंड राइटिंग बिलो एवरेज है या एवरेज है देन ट्राई टू रीड राइट एज रीड एज पॉसिबल आप जितना साफ सुथरा लिखोगे उतना बेहतर होगा क्योंकि एग्जामिनर आपके कॉपी में जितना कम टाइम व्यतीत करेंगे जितना कम मेहनत आँख उनको कम जितना घड़ाना पड़ेगा आपके आंसर्स को पढ़ने के लिए उतनी ही पॉसिबिलिटी है आपको अच्छे मार्क्स अटेन करने की सो so, अगर आपने इन चार पांच पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया वाइल राइटिंग योर आंसर तो ट्रस्ट मी योर आंसर विल बी वेरी गुड एंड आपको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मार्क्स मिलेंगे सो ट्राई टू फॉलो ऑल दीज फाइव पॉइंट्स विच एवर आई हैव मैंशन एंड शेयर दिस वीडियो एमॉक्स योर पियर्स एमांग्स योर क्लासमेट्स ताकि उनको भी पता चल सके कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप किसी भी बोर्ड से हैं, ये पाँचों चीजें बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आपकी सी यू द नेक्स्ट वीडियो दें थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप नए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि आपके सारे के सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व होते हैं मिसाइड मटीरियल्स पी मटेरियल्स पीडीएफ्स एंड ऑल एंड ऑल्सो विल गेट सम हेल्पफुल पीपल जो हमेशा आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप